जिसने देश में आपातकाल लगाया, लेकिन दुर्भाग्य है आज उन्हें देश से, बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करनी चाहिए। गंगा घाट पर जाके बालू और गोबर से हमारे गंगा जल लेकर के प्रायश्चित करें। मिला है वो 370 पर कहा है कि सहमति बननी चाहिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग विचार करेंगे। आज एक भारत एक देश, नेहरू की गलत नीतियों के कारण वहाँ 370 लगा था 35 से। सर, लालू जी कह रहे हैं कि अब हम फिट हो गए हैं, भाजपा को भी हिट कर देंगे। पहले नीतीश कुमार जी को हिट कर ले। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमित झा। गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड हैं, आज वो पटना पहुँचे। पटना पहुँचते ही लगातार विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, नीतीश कुमार को सबसे पहले लपेटे में लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं जयप्रकाश नारायण के की जो लड़ाई थी उस लड़ाई से वो पैदा हुए नेता हैं। लेकिन अब एक समय था कि वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो जो देश में आपातकाल लाए थे उनके साथ गए हैं। उनको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले उनकी बातों को सुनिए। आपातकाल लगा है और आपातकाल का विरोध करने वाले आज आपातकाल के साथ हैं। ये दुर्भाग्य है, आज नीतीश कुमार सहित जो ये सरकार के मुखिया हैं, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए नेता हैं, जिन्होंने कसम खाया था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं, जिसने देश में आपातकाल लगाया, लेकिन दुर्भाग्य है आज उन्हें देश से, बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करनी चाहिए। गंगा घाट पर जाके बालू और गोबर से हमारे गंगा जल लेकर के प्रायश्चित करें, यही मैं कहूँ। फारूक अब्दुल्ला है वो 370 पर कहा है कि सहमति बननी चाहिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग विचार करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो देश की एकता के लिए है। आज एक भारत एक देश, नेहरू की गलत नीतियों के कारण वहाँ 370 लगा था 35 से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा देश का बदतर स्थिति हो गया है। पता नहीं किनको कैसा दिखता है। सर, लालू जी कह रहे हैं कि अब हम फिट हो गए हैं, भाजपा को भी हिट कर देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। पहले नीतीश कुमार जी को हिट कर ले। तो आपने साफ तौर पर सुना कि गिरिराज सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं जयप्रकाश नारायण की लड़ाई से पैदा हुए नेता हैं। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कांग्रेस में गए, जबकि वो भी उन्होंने ये भी कहा है कि आपातकाल जैसी स्थिति जो है कांग्रेस लाई थी। ऐसे में नीतीश कुमार उनके साथ गए तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। उनको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, गंगा घाट पर जाके बालू और गाय का जो गोबर है वो खा के उनको अपना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 370 वाले सवाल पर भी कहा है कि उन्होंने बोला कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। 370 और 35 ये जो है वो देश की ये देश की एकता की बात है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेहरू जो हैं वो उनकी गलत नीतियों की वजह से ये 370 और 35 से लगाया गया था। फिलहाल इस खबरों में इतना ही, आगे बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। नमस्कार।